क्लास 8, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, कल हमने जाना था वाच्य के भेद के विषय में, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। आज हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन के विषय में। बच्चों, वाच्य का पहला भेद था कृत्रिवाच्य, अर्थात जहां कर्ता की प्रधानता रहती है। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य हम कैसे बना सकते हैं? सर्वप्रथम कर्ता के साथ हम से या के द्वारा लगाते हैं। कृत्रिवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। नेक्स्ट है, कर्म के साथ लगी हुई विभक्तियों को हटा दिया जाता है और कर्म के बाद मुख्य धातु में क्या जोड़ा जाता है? आ, या फिर जा, या ऐसा ही कोई रूप जो हमारे वाक्य के अनुसार आवश्यक है। और क्रिया का प्रयोग कैसा होता है? कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। ठीक है, जैसे अब हम उदाहरण देखेंगे। नरेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर हमारा कर्म क्या है? पुस्तक। इसको हम प्रधान बनाएंगे तो नरेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, पुस्तक नरेश के द्वारा पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, मीरा कविता गा रही है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हुए हम ऐसे बनाएंगे, मीरा द्वारा कविता गाई जा रही है। नेक्स्ट है, कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कर्ता के साथ से जोड़ देना चाहिए, क्रिया को सामान्य भूत में बदला जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को कैसे किया जाता है? अन्य पुरुष और एकवचन में। हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कृत्रिवाच्य में बीमार सो गया, जब हम इसको भाववाच्य में बनाते हैं तो ये बनेगा बीमार से सोया गया। बच्चा नहाता है, बच्चे से नहाया गया। बच्चों, ये कृत्रिवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और अकर्मक क्रिया वाले कृत्रिवाच्यों को भाववाच्य में परिवर्तित किया जाता है। तो आज हमने जाना कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, जिसमें कृत्रिवाच्य के अंतर्गत प्रयोग की गई क्रिया में जो क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया होती है, और कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कृत्रिवाच्य में प्रयोग की गई क्रिया अकर्मक होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके साथ ही आपको वाच्य की जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो भी भेज दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।